Very dear students of grade 3, I hope you all are fine. Today we have to discuss about the last chapter, which is to be done for our first term planner as a revision. As far as the sound is concerned, you know that it's also a form of energy. Sound kya hai? Ek tarah ki energy ki qasam hai, jo ki tezi ke sath cheeze jab bahut tezi ke sath vibrate ho rahi hoti hai, ya keh sakte hain forward or backward, bahut tezi ke sath spin ho rahi ho koi bhi cheez, to wo sound produce kar sakti hai. मिसाल के तौर से अगर आपके पास गिटार है तो इसके जो स्ट्रिंग होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी साउंड सुनाई दे रही होती है. या फिर इसी तरह से विसल है, विसल के अंदर जब एयर जो है वो हम ब्लो करते तो इसके अंदर एयर तेज़ी के साथ वाइब्रेट करती है, जो कि एक आवाज़ में प्रोड्यूस हो रही होती है. वी हैव गॉट सो मच टाइप्स ऑफ साउंड. इट कैन बी प्लेजेंट, इट कैन बी इमरजेंसी साउंड, इट कैन बी नॉइस. जो बहुत ऐसी साउंड जो कि आपके कानों को बड़ी चुभ रही होती है वो आपको नॉइस कहलाएगी, ठीक है ना. ऐसा शोर जो कि इवन आपके कानों के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉइस पोल्यूशन भी हो जाता है. और कुछ ऐसे हैं जो कि अलार्मिंग है, जैसे अलार्म लगाया आपने, या एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, या अचानक से डॉग का बार्किंग करना, ऐसा लगता है कि जैसे हाँ कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई हो. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, यानी ऐसे डेंजर साउंड है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो बड़े प्लेजेंट भी साउंड होते हैं, बड़ी अच्छी सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे बारिश की हल्के हल्के कतरे जो गिर रहे हैं, या फिर अगर चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, कोयल चहचहा रही है, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे साउंड की खुशगवार साउंड का एहसास हमें दे सकते हैं. इसी तरह से अगर हम बात करें तो चीज़ें जो हैं वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, साउंड क्यों ज़रूरी है. साउंड हमारे लिए कन्वर्सेशन रख रहा है. साउंड की ज़रूरत इसलिए है कि आपको किसी भी चीज़ की बात औकात हम आँखें बंद करके भी बहुत सारी साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. अगर कोई आया तो उसके लिए डोर बेल मौजूद है, या ठक ठक सी आवाज़ से अगले बंदे को या अंदर घर के अंदर मौजूद जो हैं वो उसको पता चल जाता है कि हाँ कोई बाहर आया. तो साउंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, यानी विद द हेल्प ऑफ द एयर आप कानों की मदद से साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको इमेजिन या उसको जज कर सकते हैं. अच्छा, साउंड जो है इट ऑलवेज नीड सम मीडियम टू ट्रैवल. साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, लाजमी तौर से उसे किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो. लेकिन अगर किसी ऐसी जगह से जहाँ से हवा बिल्कुल निकाल दी जाए, और इवन बहुत तेज़ आवाज़ में अगर अलार्म भी बज रहा हो, कोई रिंगिंग बेल मौजूद है, लेकिन उस बॉटल के अंदर हवा बिल्कुल मौजूद ना हो, तो साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकता. यही वजह है कि जो है चांद में क्यों आवाज़ नहीं आ रही होती है, चाहे हम कितनी ज़ोर से बोल रहे हो, क्योंकि चांद में हवा मौजूद नहीं होती. और अभी हमको मैंने आपको बताया कि साउंड डेफिनेटली नीड सम ऑफ द मीडियम, चाहे वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, या किसी भी सॉलिड मटेरियल के ज़रिए साउंड जो है उसको ट्रैवल, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. नाउ वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉइज़ एंड द नॉर्मल साउंड. नॉइज़ का मतलब ये है कि ऐसा साउंड जो कि अनप्लेजेंट है. आम साउंड जो है वो प्लेजेंट भी हो सकता है, जो कि अभी आपको मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी. लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ का शोर, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न्स बज रहे हैं, मशीनों का शोर, तो ये कानों के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, जिसको हम नॉइस पोल्यूशन भी कह सकते हैं, और ये अनप्लेजेंट होता है. अच्छा, वट इज़ द मीनिंग ऑफ एन ईको. ईको का मतलब ये होता है कि जब आप ज़ोर से चिल्लाते हैं, ख़ासतौर से खाली जगह हो, तो आवाज़ जो है आपकी टकराकर वापस आती है, बाउंस होकर वापस आती है. जैसे अगर हम दीवार पे बॉल मारें तो क्या होता है, वो टकराकर पलटकर बॉल वापस आती है. बिल्कुल इसी तरह से साउंड जो है वो भी, अगर खाली कमरा हो और बहुत ज़ोर से चीखें, तो वो चूँकि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, जब कमरा भरा हुआ होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. लेकिन जब खाली कमरा होता है और दीवारें होती हैं सिर्फ, तो दीवारें जो हैं वो टकराने के उन दीवारों से साउंड टकराकर वापस आती है. दैट इज़ कॉल्ड एज एन ईको. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लास्ट चैप्टर. इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अवर फर्स्ट टर्म रिवीजन. एंड बट इफ स्टिल यू हैव गॉट एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, यू मे आस्क. ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट सोन इंशाल्लाह इन द स्कूल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.